नमस्ते सभी को। मैं सोमनाथ हंसदा, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया नेतिड़िया थाना कुलबना ग्राम का रहने वाला हूँ। मेरा एक दो सुझाव बहुत ज़रूरी पड़ा बोलने। अभी का दिन में जो इंडिया जो UPSC परीक्षा देने का बाद IAS IPS से लेके तमाम बड़ा बड़ा अधिकारी बनता है, लेकिन इसी का ऊपर भी परीक्षा देने के लिए दिल्ली में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसका बाद मैं भी छुट्टी जॉब गया था वेस्ट बंगाल में, मेरा ऊपर भी वो रायबान ग्राम में पुलिस फाड़ी में एक छोटा बाबू बोल के था, वो मेरे को पिटाई किया। लेकिन मैं भी आजमा लिया हूँ। उसका बाद स्टूडेंट से लेके हर स्टेट का UP हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, बिहार हो, हर स्टेट उड़ीसा हो, कहीं भी स्टूडेंट से लेके हर आदमी को पुलिस लाठीचार्ज कर रहा। ये कोई कानून में भी नहीं लिखा है, लाठीचार्ज करने का परमिशन अभी तो कोई ना, तो पुलिस में जो जो भर्ती हो रहा ये तो हाई एडुकेटेड होना चाहिए हर आदमी को, नहीं तो हर महीने में एक्ट एंड रूल जो होता है उस एक्ट एंड रूल को परीक्षा देख के हर हफ्ता हर महीने जितना पुलिस में नौकरी करता है वो लोग परीक्षा अलग प्राइवेट ऐसे संस्था में परीक्षा देना चाहिए उन लोग को। उसका बाद वो कानून यदि उसको जानकारी है पूरा तो भी उसको पुलिस में रखा जाए, नहीं तो उसको पुलिस से बाहर किया जाए, क्योंकि पुलिस मतलब जन सेवक। वह 1,30,00,000 इंडिया में मान लो 130 करोड़ ये जनता का ऊपर इसी जनता से मंत्रिमंडल बन रहा, इसी जनता से इंडिया चल रहा सब कुछ, लेकिन कोएक लाख पुलिस ऐसे हरकत करके देश को चलाने वाला, देश अच्छा बनाने वाला जो IPS IAS ऑफिसर होता है बनने के लिए जो परीक्षा देता है, इन लोग का ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है। उसका बाद सेनाबाहिनी मेरा ऊपर भी लाठीचार्ज किया है जो पुलिस, तब वेस्ट बंगाल का पुलिस ऐसे से हर स्टेट का ही पुलिस ऐसे यूज कर रहा, जे लाठीचार्ज को ऐसे अहमियत बना दिया जो जैसे बोलता है ना, जैसे घर रहेगा ऐसे, जैसे खाना ऐसे रहना, लेकिन ऐसे करके भविष्य प्रजन्म, स्टूडेंट ही तो देश का भविष्य प्रजन्म है, इसी को दिमाग में ऐसे डर मतलब इसका, इसीलिए तो अभी का दिन में एक भी नहीं पैदा हो बन रहा जो अच्छा अच्छा एडुकेटेड मैन बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे, उसका बाद और अच्छा अच्छा क्यों नहीं बन रहा स्वामी विवेकानंद जैसे। यही जो रूल ऐसे करके जो प्रजन्म, अच्छा प्रजन्म तैयार होने के लिए अच्छा उसको संस्कृत चाहिए, लेकिन ऐसे भाव से उसको दबाया जा रहा, इसी से मैं बहुत दुखित हूँ। इसीलिए इसी को मैं शेयर करना चाहते हर आदमी का पास, इसी को ऐसे तरीके से होना चाहिए जो आगे बढ़े देश और देश चलाने के लिए जो है उसको सम्मान दिया जाए। इसीलिए मैं सोमनाथ हंसदा सभी को शेयर किया हूँ। नमस्ते सभी को।